हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एचपीएससी का नया रिलीज हुआ एक नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हमारे हरियाणा एडीए 2023 को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के अंदर एचपीएससी ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखे हैं, जिनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हर एक स्टूडेंट को थी जो भी प्रिपेयर कर रहा है एडीए को उसकी। अब चौंकाने वाला तथ्य क्या है वो, दूसरा क्या कुछ नया नोटिफिकेशन आया है वो कुछ, और आपका पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस कुछ नया आया या फिर पुराने वाला है वो सब कुछ, पेपर कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। और जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का, वो मेरे चैनल पे आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको ये अपलोड करा हुआ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप के अंदर ये सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो के अंदर जो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अब एग्जाम की जब बात आती है तो हम लोग चेक करते हैं कि कितने टायर का अब एग्जाम हो गया है। तो टायर आपके मतलब कि 3 टायर है, एक प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, वाइवा मतलब कि इंटरव्यू। अब ये कितने नंबर के हैं, कितने आपके नेगेटिव मार्किंग क्या कुछ हुई है कि नहीं हुई है, ये नया फैक्ट है। मतलब कि नोटिफिकेशन जो पहले जारी किया था एचपीएससी ने, जिसके अंदर बताया था कि हम लोग सेकेंड क्लास के अधिकारियों के लिए सब्जेक्टिव मेन्स एग्जामिनेशन की तैयारी के रिगार्डिंग हम लोग नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर देंगे, तो वो तो जारी हो गया, उसकी तो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इस तरीके की एक्सपेक्टेशन की क्या कोई नेगेटिव आपकी मार्किंग भी होगी, तो वो नया तथ्य है। तो देखिए नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ चीज़ अपनी, जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम है मतलब कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है प्री एग्जाम, उसके अंदर क्या बोलता है कि टोटल आपके 100 MCQs होंगे, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है, जिसके अंदर से वेटेज रहने वाली है 80% की लो के सब्जेक्ट से। अब लो के सब्जेक्ट कौन से होंगे और 20% कहाँ से रहेगी, वो सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। जो सीपीसी है पेपर वन के अंदर, आपका जो सिविल पेपर है ना प्री के अंदर, सिविल जो पार्ट है उसके अंदर सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, हिंदू मुस्लिम कस्टमरी, मतलब कि जो पहले पुराना सिलेबस था वही रहेगा। उसके बाद क्रिमिनल के अंदर आईपीसी, सीआरपीएससी और एविडेंस है। मतलब बोले तो कि जो लोगों का पुराना सिलेबस था अपना, सिलेबस तो ओल्ड पार्ट ही रहेगा, लेकिन जो वेटेज है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि 80% ऑफ द पार्ट विल बी फ्रॉम दी सिलेबस, जो भी लो का पोर्शन है वहां से आपके 80 क्वेश्चन के अराउंड रहेंगे। फिर बोलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिक्स, उसके बाद आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द हरियाणा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके रिमेनिंग मतलब कि रेस्ट ऑफ द 20% पार्ट जीके के पोर्शन से रहेगा और 80% पार्ट आपका जो है वो लो के पोर्शन से रहेगा। तो ये है प्री एग्जाम के बारे में। अब इसके अंदर आपका कितना टाइमिंग रहेगा, तो ये सब कुछ जो है ये चीज़ आपकी क्या रहेगी, प्री एग्जाम आपका 2 आवर्स का होने वाला है। इसके रिगार्डिंग कोई डेट वगैरह कुछ फिक्स अभी नहीं हुई है कि कब इसका पेपर होगा, तो इसकी कोई एक्सपेक्टेशन अभी से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जैसे चौंकाने वाले तथ्य निकाल के दिए इन्होंने, हो सकता है एकदम से चौंकाने वाले आपकी डेट भी रिलीज करके बता दे, तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई एक तरीके से गैस नहीं हो सकता। अमूनन शायद जहां तक लग रहा है जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। बात आती है इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर कि आपका 2 आवर्स का एग्जाम आपका बताया गया है, 100 नंबर का पेपर रहेगा। बात मेन यहां पे आती है कि ईच क्वेश्चन विल हैव दी 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन के साथ आपका ये पेपर रहेगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके क्या मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। उसके अंदर क्या करना है, जो 5th ऑप्शन है विल बी मिंट फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंट्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अगर कोई पर्सन ऐसा जो कि किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहे, तो उसके लिए क्या रहेगा, 5th ऑप्शन होगा जिसको आपको भर के आना पड़ता है। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि 5वें ऑप्शन को आप नहीं भर के आए, तो वो क्वेश्चन आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, और उसके लिए भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपको कोई छोड़ना है अनअटेम्प्टेड छोड़ के आना, क्योंकि केस नेगेटिव मार्किंग का आ चुका। अब नेगेटिव के केस के अंदर आपको जब भी क्वेश्चन छोड़ के आना है अनअटेम्प्टेड, तो लास्ट वाला जो ई ऑप्शन होगा उसको आपने गोला भर के आना पड़ेगा। अगर गोला नहीं भरते तो माना जाएगा आपने अटेम्प्ट कर रखा और वो आपका क्वेश्चन गलत है। 1/4 mark विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। और अगर कोई भी किसी तरीके से आप गलत करके आते हो, तो 1/4 मतलब कि 1 नंबर का 1 है, तो 1/4 के केस के अंदर आपका 0.25 आपका क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन केस द कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉर डार्कन द 5th ऑप्शन और बबल, देन 1/4 mark विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। जो भी ये चीज़ आपको बताइए कि 5वां ऑप्शन अगर आप नहीं भर के आते, तो नेगेटिव फॉर्म के अंदर आप आ जाओगे, माना जाएगा आपने गलत अटैम्प्ट कर रखा है।
फिर आपका बोलता है क्वेश्चन पेपर विल बी इन दी इंग्लिश। अब ये बोलता है कि पेपर जो है उसके रिगार्डिंग भी आपकी बहुत सारी क्वेरी थी, जैसे 2017-18 के पेपर में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर हेल्ड किया गया था, लेकिन अब जो है इस चीज़ को भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि पेपर जो होगा वो आपका क्या रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर होगा, हिंदी यहाँ पे ख़त्म कर दिया, इंग्लिश के अंदर आपका पेपर हेल्ड करा जाएगा। बोलता है कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 25% टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने क्लियर करने के पर्पज से क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो है वो 25% आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ लगेगी और कट ऑफ के बेस पे आपको आगे सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ मेंस एग्जाम। फिर आपका बोलता है कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टीज्ड पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड दैट दे सिक्योर द मिनिमम 25% मार्क्स ऑफ द एग्जाम। अब ये बोलता है कि मेंस पेपर के अंदर कितने टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो जाएंगे, तो बोलता है कि जितने बच्चे आपके टोटल पोस्ट बताई गई है कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल आपकी बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 112 हैं, तो इनटू 4 times आपके क्या रहेंगे टोटल बच्चे आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब प्री एग्जाम के अंदर जो पास होंगे बच्चे वो आपके मेंस के अंदर बैठेंगे जो कि 4 times ऑफ द टोटल पोस्ट होंगे। बोलते हैं द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज मेंट ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैटेगरी वाइज लिस्ट। अब ये बोलता है कि इस पेपर में से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उनको फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ये सिर्फ क्या होगी एक चाबी दे रखी है एक ताले को खोलने की, ताला बोले तो मेंस का एग्जाम, मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए जैसा हरियाणा जुडिशरी में अदर स्टेट में होता है कि प्री एग्जाम के जो मार्क्स है उनको कहीं पे भी काउंट है जो नहीं करा जाता, तो वही चीज़ यहाँ पे रहेगी कि आपका इसके अंदर ऑब्टेन जितने भी नंबर होंगे उनका कोई वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे उनको फाइनल लिस्ट के अंदर जोड़ा जाएगा। फिर आपकी बात आती है कि सेकंड स्टेज के अंदर आपका क्या रहेगा, तो सेकंड स्टेज जो एग्जाम है वो आपकी कितने टाइम का रहेगा, 3 hours का आपका एग्जाम होने वाला है, ये टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 150-150 नंबर का पेपर होगा, और जो सिलेबस है वो आपका जो प्री वाला है वो सेम रहेगा, आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हिंदू मुस्लिम पार्टनरशिप, ये सारे आपके एक्ट जो रहने वाले हैं, फिर उसके बाद IPC, CRPC और एविडेंस है। अब ये जो मेंस का अपना एग्जाम होना ये भी क्या होगा कि 3 hours का अपना पेपर रहेगा, ये भी इंग्लिश पेपर रहेगा और 35% आपको मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग टू फॉर द इंटरव्यू सेशन। अब इसके अंदर आपका आ जाता है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे ना कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वो आपके क्या रहेंगे, ओनली 2 times। अब सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे आपकी जितनी पोस्ट है 112 उसका डबल बच्चे, मतलब कि 2 times बच्चों को क्या करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए आपका कॉल करी जाएगी। बोलता है वेटेज ऑफ द सेकंड टेस्ट शैल बी 87.5%, 87.5% आपका 87.5% क्या रहेगी इस मेंस के एग्जाम में से जुड़ेंगे, सपोज कि मतलब आपके 100 मार्क्स आप कर आ रखे हैं तो 87.5% आपके क्या रहेगी वेटेज के लिए रहेगी, ठीक है जी, ये टोटल आपका परसेंटाइल बेस रहेगी चीज़ें, तो 150 का 87.5% आपकी वेटेज रहेगी मेंस के एग्जाम में से, और बाकी जो आपके हैं थर्ड स्टेज जो आपके आ जाते हैं इंटरव्यू के, इंटरव्यू के लिए बोलता है द वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5%, मतलब 12.5% आपकी सेशन रहेगा इंटरव्यू में से जो वेटेज है वो, और 87.5% आपका रहेगा मेंस के एग्जाम में से। बोलता है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टेज एग्जाम एंड द इंटरव्यू, जो फाइनल लिस्ट जो आपकी बननी है वो आपके इंटरव्यू और जो मेंस का एग्जाम है उनके मार्क्स में से ऐड होके बनाई जाएगी, बाकी आपके जो प्री का एग्जाम है वहाँ से आपके किसी भी तरीके का कोई भी ऐड नहीं करा जाएगा, जैसे कि हरियाणा जुडिशरी के अंदर होता है ना, देखिए उस तरीके का पैटर्न आपका बन गया है। तो ये था सारा का सारा आपका कुछ पेपर का पैटर्न और नई नोटिफिकेशन। अब इसके अंदर हमने ऑब्जर्व करा कि सिलेबस के अंदर किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, हालांकि इसके अंदर आपकी जीके के बारे में कुछ बता दिया गया कि जीके का जो पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, वो भी आपने नोटिफिकेशन के अंदर देख लिया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है या फिर आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक या फिर हरियाणा से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन, हरियाणा के कल्चर से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये बायफर्केशन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है सिलेबस के अंदर, बाकी कोई चेंज आपका नहीं करा गया, सिर्फ 3 tier एग्जाम बना दिया गया है। तो देखिए अब जैसे भी आप तैयारी कर रहे थे अभी कि बेरेट को पूरा वो सिस्टम था कि हम नंबर वाइज सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि पूरा बेरेट पेस्ट आपका पेपर था, अब इसको थोड़ा सा और आपने क्या कर दिया, एक लेवल का कंपटीशन बना दिया है। अब देखिए क्या रहता है कि जब भी कंपटीशन बनेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो बच्चे जो सीरियस होकर मेंस की तैयारी करते हैं हरियाणा जुडिशरी की या जुडिशरी एग्जाम की जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, बेनिफिशियल हो जाएगी। तो अब जो कॉम्पिटिशन आपका कहीं ना कहीं है जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ उनसे रहेगा, क्योंकि पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, 100 marks का पेपर है, उसके अंदर भी आपका इंटरव्यू बाद में रहेगा, मेंस भी रहेगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो आपका टफ हुआ है,
लेकिन देखा जाए तो कंपटीशन आपके लिए आसान भी बोल सकते हो जो भी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर टाइम भी मिलेगा आपको, मेंस के एग्जाम के लिए भी आपको टाइम है जो मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, सीरियस मोड के अंदर तैयारी करते रहिए, और जो हेल्थ है उसको प्रॉपरली ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना के लिए अपना मास्क जो है वो मैंडेटरी कर दिया, थोड़े टाइम के अंदर लॉकडाउन की कुछ बातें आने लग जाएंगी, और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आपके जो भी कॉलेज वगैरह हैं, इनके ऊपर सबसे पहले इनका हमला रहता है, तो उनको सबसे पहले बंद करा जाएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, और एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करिए और हेल्थ को भी प्रॉपर अपना बनाए रखिए। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।